आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने YouTube चैनल पे पहला वीडियो किस तरीके से अपलोड किया जाता है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, टाइटल क्या लिखेंगे, टेक्स्ट कैसे लगाएंगे, इसका मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा जिससे आप अपने वीडियो को रैंक करेंगे। तो किस तरीके से अपने YouTube चैनल पे पहला वीडियो अपलोड करेंगे और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है और क्या क्या करना होता है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसमें टाइपिंग करेंगे youtube.com, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने कुछ YouTube का ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पर ओपन किया है तो यहाँ 3 डॉट पर जाके डेस्कटॉप वर्जन को आप इनेबल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे लोगों पर जाने के बाद यहाँ पर जाएंगे योर चैनल पर। अब देखिए ये बिल्कुल नया चैनल है, इस पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है। तो आप फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ ऊपर में इस वाले चैनल आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि अपलोड वीडियो, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस ये फाइल ओपन हो के आ जाएगा। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मेरा वीडियो यहाँ पर रखा हुआ, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन करूँगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप मेरा वीडियो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है और ये यहाँ पर टाइटल वगैरह का ऑप्शन आ चुका है और इस साइड में आपका वीडियो देख रहे हैं अपलोडिंग का, तो यहाँ पे आपका वीडियो अपलोड होगा। किसी भी वीडियो को अपलोड करते टाइम में 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नंबर फर्स्ट है टाइटल, यहाँ पर अपने वीडियो का एक टाइटल देंगे जो देख रहे हैं कि 100 करेक्टर्स में होना चाहिए। तो जिस बारे में आपका वीडियो है वही यहाँ पर टाइटल में आप डालेंगे। जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया हूँ कि एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो कैसे अपलोड करें, या तो ये आप यहाँ पर टाइटल हिंदी में डाल सकते हैं कि एजुकेशन पर्पज़ से हम कैसे अपना वीडियो अपलोड करें, या फिर यहाँ पे आप इंग्लिश में भी जो टाइप करना चाहते हैं इस तरीके से आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ पर आप गूगल इनपुट टूल डालेंगे। गूगल इनपुट टूल डाल के यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप गूगल इनपुट टूल को डाल के यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आएगा, यहाँ पे इसको गूगल इनपुट टूल इस तरीके से ओके कर लेंगे और यहाँ से इंग्लिश पे जाके यहाँ हिंदी लैंग्वेज इसको सेलेक्ट करके आप बहुत ही आसानी से, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा के आ गया, तो इसी तरीके से यहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हैं हिंदी में। इसको सिंपली यहाँ से इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको Ctrl+V डाल के यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो है 100 करेक्टर में तो हम ज़्यादा लिख चुके हैं, तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ से डिलीट करके हटा देंगे। यहाँ पर देखिए मैं 100 करेक्टर में टाइपिंग कर दिया हूँ, इसी तरीके से आप भी टाइपिंग कर सकते हैं। अब देखिए कि मेरा जो वीडियो यहाँ पर है, यहाँ पर मेरा वीडियो जो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप अपने वीडियो से रिलेटेड सभी जानकारी लिख सकते हैं, जो टाइटल में दिए हैं वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और आप वीडियो में क्या बताया है वो यहाँ पर पूरी डिटेल में यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 5000 करेक्टर में है, तो आप बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं अपने वीडियो के रिलेटेड। तो मैं इस वीडियो में बताया हूँ कि आपको कौन सा चैनल देखना चाहिए, कैसी जानकारी से आपको क्या मिलेगा, टेक्निकल वीडियो से क्या मिलेगा, और आप मेरे वीडियो से क्या सब नॉलेज गेन कर सकते हो, मेरे वीडियो से आपको क्या प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारा मैं इस वीडियो में बताया हूँ, तो उस सब भी आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हो जो आप अपने वीडियो में बताया हो। तो टोटल कुछ यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में टाइपिंग कर देना है, इसका दूसरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। तीसरा आप यहाँ पे थंबनेल आ जाता है, इसके बाद यहाँ पे चौथा जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि बारी बारी से हम सभी को जान लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो अभी आपसे रिलेटेड वीडियो में बोले हुए हैं वो यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है। आपको 5000 करेक्टर का दिया हुआ, तो यहाँ पर जितना आप यहाँ पे वर्ड में टाइपिंग कीजिएगा आपकी वीडियो का जो रैंक का जो स्थिति है वो काफ़ी बेटर होगा। तो यहाँ पे वो 5000 करेक्टर का जो ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन का पूरा पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे आप अपने दूसरे वीडियो के लिंक भी डाल सकते हैं, दूसरे चैनल के लिंक भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका पास कोई एप्लीकेशन है तो उसका भी लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालिए, जैसे YouTube, Facebook, Twitter है, तो इसका भी लिंक यहाँ पे आप डाल सकते हैं।
मतलब कि आप जो है डिस्क्रिप्शन का पूरा फायदा उठाइए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखेंगे वो सर्च में भी आता है। डिस्क्रिप्शन ऐसा ही नहीं होता है, आपकी वीडियो यहीं से आपको रैंक में आता है। जैसे कोई सर्च करेगा तो आपकी वीडियो रैंक में आएगा, एक नंबर पर आए या दस नंबर पर आए, मगर आपकी वीडियो रैंक में आएगी जरूर। तो डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखते हैं वो ऐसे ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखते हैं वो SEO बन जाता है, वो रैंक करता है। तो आप सोच समझ के अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई अच्छा सा डिस्क्रिप्शन आप जरूर लिखें। इसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है थंबनेल। थंबनेल का होना हर वीडियो में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थंबनेल से ही आपके वीडियोस पे लाइक आती है और थंबनेल ही आपके वीडियो का आधा जान होता है। तो इसीलिए आप एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से थंबनेल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपको थंबनेल नहीं बनाना आता है तो मैं इस पे आप वीडियो बना रखा हूँ, आप मेरे वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से थंबनेल बनाया जाता है, वही प्रोफेशनल तरीका से। तो वो वीडियो मेरे वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो थंबनेल कैसे बनाया जाता है वो मैं सिखा चुका हूँ, अब मैं दिखा रहा हूँ कि थंबनेल लगाते कैसे हैं। जब आप चैनल क्रिएट करते हैं तो आपके अपने चैनल को वेरीफाई कराना होता है। थंबनेल लगाने के लिए अगर आपने चैनल को वेरीफाई नहीं कराया तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे थंबनेल का ऑप्शन आ रहा है ये हाइड रहेगा, आपका नहीं होगा। इसीलिए पहले आपको चैनल को वेरीफाई कराना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर से, तभी ये इनेबल होगा, नहीं तो ये इनेबल नहीं रहेगा, ये हाइड रहेगा। तो पहले आपको अपने चैनल को वेरीफाई करा लीजिए, फिर ये आपका अगर इनेबल अगर वहाँ पर नहीं वेरीफाई कराए होंगे तो वहाँ पर ये ऑफ रहेगा। अगर वेरीफाई करा लेते हैं अपने चैनल को मोबाइल नंबर से तो ये आपका चैनल यहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाता है थंबनेल का। तो इसीलिए आप पहले जाके अपने चैनल को अगर वेरीफाई नहीं कराए तो चैनल को वेरीफाई कीजिए, फिर ये यहाँ से आके आप अपने थंबनेल वगैरह यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिए क्वेश्चन मार्क पे, यहाँ पर देखिए क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए लिखा आ रहा है कि आपका जो थंबनेल मस्ट लेस देन 2 MB, मतलब आपका जो थंबनेल है 2 MB तक का सपोर्ट करेगा। 2 MB से अगर ज़्यादा का जो आपका थंबनेल रहेगा तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए आप अपना थंबनेल यहाँ पे 2 MB फाइल तक के ही आप यहां पे लगा सकते हैं। इसका सिंपली हम थंबनेल को अपलोड कर लेते हैं, क्लिक करेंगे इस पे जहां पे थंबनेल है आपका, इस तरीके से अपना थंबनेल को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहां से अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम यहां से सेलेक्ट करके यहां से ओपन कर लेते हैं। अब देखिए कि आपका यह थंबनेल यहां पे आ चुका है और यह वीडियो के ऊपर भी आपका यह अप्लाई हो जाता है। यहां पे देख रहे हैं कि मोर ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस पे आपका अगला ऑप्शन यहां पे आ जाता है टेक का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 500 लेटर्स की स्पेस दी गई है, तो आप यहाँ पर पूरा फायदा उठाइए और जितने 500 वर्ड में दी गई है टेक्स्ट लिखने का, यहाँ पर आप टैग लिख सकते हैं। तो टैग्स होते क्या है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे YouTube ओपन कर लेता हूँ। YouTube ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप कुछ भी अपने वीडियो से रिलेटेड या जो भी अपने वीडियो से रिलेटेड आप यहाँ पे टाइपिंग करेंगे तो वही टैग्स में लिखा जाता है। तो मैं वीडियो बनाया हूँ कि मेरा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है, तो आपको यहाँ पे वही टाइपिंग कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहीं पे यहाँ पर मैं वही लिखूँगा ना कि यहाँ पे मेरा जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे ढेर सारा जो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, एजुकेशन वीडियो फॉर चिल्ड्रेन, एजुकेशन वीडियो मैपिंग। तो यही जो होता है ना, यही टैग होता है, इसको भी यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दीजिएगा तो यही टैग होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐसे कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद अपने वीडियो में जाके और यहाँ पे लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यही होता है टैग, जो भी आप वहाँ पे टाइपिंग करके इस तरीके से कॉपी करके लाएंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यही टैग होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक टैग। जैसे YouTube पे यूजर किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए वो सर्च करते हैं तो वो टैग में ही कहलाता है। जो भी टैग में आप डालेंगे, वो जो भी यूट्यूबर सर्च करेंगे तो वो आपका वहाँ पे शो करेगा। तो यूट्यूबर जो भी आपको YouTube में सर्च करते हैं फाइंड करने के लिए, मतलब वीडियो खोजने के लिए, देखने के लिए, तो वही टैग्स होता है। तो अब आपको ये सोचना है कि आपने जो भी वीडियो बनाया है वो वीडियो देखने के लिए यूट्यूबर्स है, यूट्यूब पे कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं सर्च करने के लिए, तो वो वहीं से आपको सर्च करके कॉपी करके यहाँ ला के पेस्ट कर देता है तो यही टैग हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक टैग दिखाया कि यूजर जब भी आपके वीडियो के लिए सर्च करेगा तो यूट्यूब में जाके और वहाँ पर जो भी शब्द आएगा वही टैग होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा थंबनेल भी यहाँ पे आ चुका है, जो मैं अभी थंबनेल लगाया हूँ, जो काफ़ी प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिख दिए एजुकेशन वीडियो कैसे बनाएं, तो यहाँ पर आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ये जो है एजुकेशन वीडियो कैसे बनाते हैं या कैसे है। तो यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग कर देता हूँ।
सो इस तरीके से यहाँ पे आप टाइपिंग कर देंगे। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 500 करेक्टर मतलब 500 करेक्टर्स में, तो यहाँ पे जितना आप भर भर के लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो वीडियो रैंक में आएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए ये मेरा हो गया सेकेंड टैग। तो सोचिए और आदमी जो है यूजर्स है क्या सोचते होंगे अपने टैग को लगाने के लिए, तो वही आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है या आपको यहाँ वीडियो में जाकर इस तरीके से यहाँ पर सर्च कर लेना है। इसी तरीके से आपको आइडिया लेना है कि क्या क्या सर्च किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने यूट्यूब में जाके बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप एजुकेशन पर्पज से संबंधित या जो भी संबंधित है इस तरीके से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया कि पहला वीडियो यूट्यूब पर कैसे डालें। तो इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे यहाँ पर मैंने टैग अपलोड कर दिया है। तो कहने का मकसद यह है कि आपने जो भी वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर जाके YouTube में सर्च करके कॉपी करके आप यहाँ पर लाके पेस्ट कर सकते हैं, यही आपका टैग हो जाता है। या आप यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हैं तो यही आपका टैग हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पर अपना टाइपिंग भी कर सकते हैं, वहाँ से यूट्यूब में जाके सर्च करके कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपना प्लेलिस्ट भी बना सकते हैं। तो प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पे आप मैं डाल देता हूँ, जिसे आप यहाँ पर अपना क्रिएट करके यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ टेक्नोलॉजी। सो इस तरीके से यहाँ पे आप अपना प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा। ये आप देखिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ अपना प्लेलिस्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ से आप इसको डन कर देंगे। आपका वीडियो किस लैंग्वेज में हो आपको यहाँ से लैंग्वेज चूज कर लेना है, कब कौन सा लैंग्वेज में। चलिए मैं हिंदी लैंग्वेज में, मैं हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर रहने देता हूँ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपकी वीडियो बच्चे के लिए बनाई गई है। अगर बच्चे के लिए बनाई गई तो यस करेंगे। तो आपके जो वीडियो है उस पर जो एड्स आएंगे बच्चों वाले आएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो बच्चों के लिए नहीं बनाई गई तो यहाँ सिंपली नो पे ही हम क्लिक रहने देंगे। तो यहाँ पे आप चूज कर लीजिए, नहीं ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं बनाया गया है, ये सभी देख सकते हैं डिस्ट्रक्शन का। यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि आप ऐसा वीडियो बनाया गया है जो 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक रहने देंगे और ये वीडियो आप सभी देख सकते हैं। आपको ऐसा वीडियो बना देते हैं कि वो नहीं देखना चाहिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे को, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करके रहने देंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग डेट आप चाहे तो इसमें से आप चैनल में चूज करके अपना जो है रिकॉर्डिंग डेट डाल सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि लोकेशन, वीडियो लोकेशन, तो आप यहाँ पर वीडियो लोकेशन में यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इंडिया लोकेशन सर्च करके यहाँ पे इंडिया इंडिया गेट है यहाँ जो भी है इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका लाइसेंस का ऑप्शन पे यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस के लिए यूज करते हैं तो आपके वीडियो को फिर कोई यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएटिव कमेंट मतलब सीसी का, तो ये इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वीडियो आपको डाउनलोड करके कहीं भी वो अपलोड कर सकता है, तो आप यही चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कैटेगरी का, मतलब आपकी वीडियो कौन से कैटेगरी में जाता है, तो आप यहाँ पे से चूज कर लेंगे। जैसे मेरा वीडियो ये जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कॉमेटी विजिबिलिटी का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉमेटी आप अपने जो यूट्यूब वीडियो है उस पर कॉमेटी आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, तो यहाँ डिसेबल भी कमेंट कर सकते हैं। जो आपके जो वीडियो पे है कोई भी कमेंट नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो कमेंट आए तो यहाँ पे आप अलाउ ऑल कमेंट पर रहने देंगे। यहाँ देख रहे हैं कि शॉर्ट बाय, तो आप यहाँ टॉप और नियरेस्ट है यहाँ टॉप पर ही आप रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर बहुत सब कुछ यहाँ चेक करने के बाद आपको अगर लग रहा है सब कुछ परफेक्ट तरीके से सही है तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका अगला ऑप्शन यहाँ पे आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप कोई एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी वीडियो एंड होता है तो वहाँ पर कुछ सजेशन आती है, मतलब कि कोई दूसरे वीडियोज़ की जो है फ़ोटो आती है यहाँ पे, या आपके वीडियो में कोई कार्ड वगैरह आते हैं तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकते हैं कि आपके वीडियो में कोई कार्ड वगैरह आएगा, कोई वीडियो वगैरह के लास्ट सीन में कोई आपका इम्पोर्टेंट जो आप दिखाना चाहते हैं वो आएगा। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाता है, इस तरीके से आप पब्लिक पकड़ के आपको कोई भी देख सकता है। अनलिस्ट पे करके मतलब जिसको भी आप लिंक सेंड करेंगे वही सिर्फ वो देख सकता है, प्राइवेट पे करके सिर्फ आप ही देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पब्लिक चूज कर लेना है। तो यहाँ पे हम सिंपली पब्लिश चूज करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ और नहीं करना, यहाँ पब्लिश पे ओके कर देना है, आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा। अब कि ये नया चैनल है तो यहाँ पर कोई मोनेटाइजेशन का ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा कि अगर आपका चैनल वीडियो मोनेटाइज हो गया है तो आप अपने मोनेटाइजेशन को कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में कैसे ऐड इंक्लूड करेंगे। क्योंकि ये पहला वीडियो है, बिल्कुल बेसिक वीडियो है,
तो मैं आप मेरे तो खून में टाइटेनियम है, ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा। इस चैनल पे आपको ढेर सारा नॉलेज मिलने वाला है। अब बता दूं कि इस चैनल पे आपको टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे मैं आपको वो सभी कुछ बताया हूँ जो टेक्निकल से रिलेटेड है, जैसे टैग है, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, कमेंट वगैरह है, और जितना सेटिंग करने का चीज़ है तो मैं यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। सो इसी तरीके से आप अपने YouTube पर पहला वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम अपने YouTube चैनल पे पहला वीडियो को अपलोड करते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।